बाजू के ऊपर देवगर ये उठाओ के सच्चे हो अब बता जो बता है कि बाजू झूठे हैं कि साचे हैं ऐसा नहीं कहने आप सीताराम भर करने आप आओ लेकिन बुला लो ई को मतलब कैसे कहा है बब्बा जी अच्छे अच्छे के सच्चे अच्छे तो भाई वैसे ही अच्छे हैं मुकुट उकुट पहन रहे देखो तो कहीं का लगा सच्चे हैं बहुत सच्चे हैं सच्चे हैं बता जे प्रमाण पत्र दे कृष्णा बाबू के बब्बा जी सच्चे हैं कि नहीं धन है कृष्णा तुम्हें कहाँ को आ ललितपुर उत्तर प्रदेश को पानी डिस्टर्ब है पैदा तो देंगे अभी नहीं के हम हंसा तारे भैया कोई बुराओ ना मानो करे हमारे स्वभाव में आए हम मुँह पे कह रहे स्वभाव में आए बचपना है ना हमारे अंदर ओ कौन ज्ञान है पूछो क्या बात हम दो भाई हैं जी दोनों भाइयों की पत्नियां डिस्टर्ब हैं कैसे घर में नहीं रहती हैं 12 महीना कलेश रहता है हमारी पत्नी मानसिक रूप से डिस्टर्ब है जी कभी घर में नहीं रहती हैं आपके घर में हैरानी बनी क्लेश बनता है पत्नी को पागलपन जैसी स्थिति बनी हुई है पागलपन जैसी स्थिति बनी कृपा होगी पागलपन दूर होगा घर पर भूत बाधा मसानी विद्या का प्रयोग करवाया गया एक को पकड़ता है एक को छोड़ता है दबाव बनाना चाहते धन का हरण करके दूसरी जगह देना चाहते हमारी भाषा समझ रहे भाषा एकदम जो बता रहे हो मैं कोनो संदेह नहीं आया ना ठीक है जो ही कारण कहा कोनो पागलपन नहीं है भूत बाधा जरूर है मसानी विद्या बसीकरण बसीकरण मसानी बसीकरण मतलब नहीं समझे मसानी बसीकरण का मतलब है कि किसी अन्य जगह बसी भूत हैं इसलिए घर पर उपद्रव मचा उतरा था कोनो भी प्रकार से है सोनिया के जो है बहुत ज्यादा दिमाग या ब्रेन खराब हो गए केवल वशीकरण है इसमें कोई संदेह नहीं मसानी विद्या का वशीकरण है वो कट जाएगा घर पर रहेंगी पागलपन ना करें एक बेवर सामू ले वाले आइयो हम बता दे भी उन्हें कैसा पागलपन आया आशीर्वाद बोली सच्चे दरबार की यही एक को पकड़ा तो एक खा छोड़ा जोई सेम है दो ही भाइयों में जोई और कुछ उनकी जो है तो उनकी पागल नहीं है उनकी उपद्रव मचाओ अंतर इतना तुम आओ जो लगत के तुम्हारी घर भाई पागल हाँ। भैया की जो लगत के बाप पागल नहीं है सिर्फ उपद्रव भर मचाओ वो घर की मालकिन बनबो चाहत अपने हिसाब से चलाबो चाहत अपने माए की पक्षा इन्वॉल्व करबो चाहत जो कारण है यही है बब्बा जी कृपा कर दें धाम पे तुम दो जन की घर भाई है तुम दो जन आ जाइयो मैं समझा दे ठोस हिंदी में आ तो जाए पहले भी बब्बा जी बुलवा ले जाओ आशीर्वाद बालाजी महाराज की जय बोली बालाजी सरकार की एक प्रश्न और तो कछु धाम पे कर लीजिए हाँ ठीक है इकट्ठो पूरा चुक जाए तो रो आवे को मन ना करे फिर बालाजी सरकार की जय अब बता बब्बा जी कैसे हैं बहुत सच्चे हैं बहुत सच्चे इसके बाद फोटो वाली बात है जहां बात समझ में हे भगवान कब से जा रहे हैं जाने हैं बोलो क्या बात है प्रश्न पूछो हमारी बेटी जल गई तो बहुत निशान है जा नहीं रहे क्या हो गया था पानी गरम गिर गया था। राम 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 तो अब आपकी कृपा कर दो ठीक है एक प्रश्न और लिखा हमारी गोदी खाली हमने लिखा बहुत हैरान हैं संतति प्रश्न भी है क्या है माइक नजदीक करो ऐसी अर्जी लेकर आई संतति प्रश्न संतान की अर्जी पुत्र योग की अर्जी लेकर आई है 3 साल से पेट में दर्द बनता है बेटी को जलने के कारण शरीर में दिक्कत बनी है गर्भाशय में ट्यूब ब्लॉक बना हुआ है ये डॉक्टर ने बताया है आगे कृपा होगी डॉक्टरी इलाज भी चलाएं दुआ और दवा दोनों का प्रयोग करें मनोरथ पूर्ण होगा जाओ आशीर्वाद बोले बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की आप काली रेशम ले आना पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप कर हम एक उपाय कर देंगे बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे आशीर्वाद बहुत दिन से कह रहे हम दरबार में ले जाए वही मोड़ी अच्छी हो जाए एक मंत्र लिख दिया है
बोला ना गुरु जी आशीर्वाद दे देते, अब छोटी सी है। आशीर्वाद बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसे ही करो, जो चढ़े उसको थपाड़ा मारो, धाम की पेशी करो माता जी, गंगा जल ले आना, बेटी को ले आना, हमारा आशीर्वाद। बैठा खुश हो भगवान, कथा सुन रहे हो ना, सुनो भगवान। वैसे तो कोई राज छिपा नहीं है, पर संसार की मर्यादा को देखते हुए बात करना बहुत अनिवार्य है, इसलिए वही प्रश्न पूछें या हम वही बता पाएंगे जो मर्यादित होगा। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से कहो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव भगवान की, और हमारे दुश्मन भी कौन नहीं है, इतने ही पे वो हमारी दुश्मनी है, हम सही कह रही, स्वाद मन मिर्चा सी लगा। अब बांग्लादेश, यहाँ डी में ये जो बच्ची बैठी है आपका है, बिटिया लिए जो बच्ची के पास में, छोटी बच्ची के पास, हाँ आ जाओ, अब बैठो मैं, ये जो बच्ची है ब्राज लो, बेटा ऊपर डोरी देखना, करंट है बेटा, वाह जय श्री राम मेरे पागलो, साउंड और एलईडी साधु जी सीताराम, साउंड और एलईडी से कृपया सभी कोई दूर हट जाएं, पीछे वालों को साउंड नहीं जा पा रही है, आपके कारण पीछे वालों को साउंड नहीं जा पा रही है, साउंड और एलईडी से कृपया दूर हट जाएं। माइक लो बेटा, बेटा राधे राधे, कहाँ से हो? हम घोरेटा से हैं, सागर के पास। बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की जय हो। आज हम गुरुजी सुबह से विश्वास था कि आज हमारी अर्जी जरूर लगेगी। लग गई तुम्हारी, आओ नजदीक बेटी, बोलो क्या बात है? हम बहुत परेशान हैं। क्या है? पति का एक्सीडेंट भी हो गया था। किसका? हमारे पति का। तो कामन बोल रहे थे कि बताया था कि गिर गए हैं, बहुत दूर से गिर गए थे, मतलब यहाँ थे वहाँ से अंधेरा आए हैं। हाँ, और हम भी बहुत नहीं आए वो। अच्छा हाँ, हम भी बहुत बीमार रहते शुरू से, बचपन से ही, हम जब से वो समान बीमार ही है। क्या हो जाता है? कहीं फोड़े हो जाते, पूरा हाथ जलन करता जी, हमने लिखा, ये क्या लिखा है? स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, हैरान रहते, पेट पैर शरीर में दर्द बनता है, तंत्र विद्या का कारण है, पूर्व की तंत्र विद्या है, काली हवन करवाएं जिससे पूर्ण ठीक होगा, जकड़न बनती है, हाथ पैर शरीर में जकड़न बनती है, वह बोझ बनता है, नस में जो है खिंचाव बनता है, नस में जैसे कोई खींच रहा हो, भींच रहा हो, नस में खिंचाव बनता है, आज से ही आराम लगेगा, घर पर एक ना एक उपद्रव विगत डेढ़ साल से बना हुआ है, उपद्रव शांत होगा, काम तेज चलेगा, वह क्लेश शांत हो जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद। बोलिए बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। बात एकदम सही, एकदम सही है गुरु जी। धाम की पेशी करनी है, एक हमने मंत्र लिखा है बेटिया, तीन माला करनी है, बागेश्वर बालाजी आज से कृपा करेंगे, और एक लाल रेशम ले आना, हम उसको बना देंगे, झाड़ा हम आपको परसों लगा देंगे, यहीं दरबार के बाद में बालाजी कृपा करेंगे, झाड़ा लगवाना। डॉक्टर साहब ने जी ऑपरेशन की बोला कान के, ठीक हो जाएगा वो ब्लॉक, वो नस जो खिंच रही है, खिंचाव बना हुआ है, और यहाँ पर जो है थोड़ी सी दो नसें आपस में टकरा रही हैं, हाँ नसें टकरा रही हैं, इसलिए शून्यपन होता है, अब आवश्यकता नहीं है, परसों आप झाड़ा लगवाओ, फिर 15 दिन बाद खुद आप बताओगे, आशीर्वाद। बोले सच्चे दरबार की।
सीताराम साधु जी सीताराम आर जब भैया पार के ना दिखा रहे आर हमें लगा दो तीन जिलाए आ गए हों चाहे आज। इसके बाद जो धूप में बालक खड़ा हुआ है लाल तौलिया सिर पर मुड़ पर बांधे यहाँ पर तुम्हारे बगल में जो डांडी वार हो लड़का भेज यही डांडी वारी ये तो जोन जो कंधा पे हाथ धरे ते आजा ते अपने बगल वार यहाँ भेज दे ते यहाँ बेटा आओ ते आजा 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 राजा बोलो सीताराम कौन तुमने पैसा दे दे के तुम्हें बुला ले।